नमस्कार, मैं हूं अशोक कलबेला और आप देख रहे हैं MUZ News। तो चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। बेतिया के जाने माने दीवानी मामलों के अधिवक्ता मधुसूदन प्रसाद ने कहा कि पॉलीथीन व प्लास्टिक का कैरी बैग पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। बेतिया में आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के लिए बदनाम रहा मंडल कारा यानी लाल कोठी एक बार फिर चर्चा में है। सप्ताह में दूसरी बार बुधवार को ही छापेमारी में वहां से 2 सेलफोन व चार्जर सहित कई आपत्तिजनक सामान जब्त हुआ है। जब्त होने वाले सेलफोन में एक एंड्रॉयड सेलफोन भी है। सीतामढ़ी के पुपरी SDO धनंजय कुमार ने बुधवार को सुंदरसांचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैश पंजी, दाखिल खारिज, ITPS जैसे कई पंजी की जांच की। शिवहर जिले में विवाह पंचमी का त्यौहार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक के मंदिर, शिवालय एवं ठाकुर बारियों की सज्जा की गई। सीतामढ़ी में गुप्त सूचना के आलोक में बुधवार की अहले सुबह डुमरा थाना पुलिस ने थाना अध्यक्ष विकास कुमार साह के नेतृत्व में बछारपुर गांव में छापेमारी कर शराब की सप्लाई करते 4 कारोबारी को 2 सूमो व बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। सीतामढ़ी में 14 वर्षीय किशोरी की अपहरण सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद भर के जनाक्रोश की आग में बैरगनिया का इलाका जलता रहा। पहले लूट फिर व्यवसायी पर कातिलाना हमला और डकैती की घटना से लोग खासे आक्रोशित थे। मंगलवार को 3 बजे दिन में अपहरित किशोरी की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद लोगों का गुस्सा और अधिक भड़क गया। मधुबनी में राजव्यापी अभियान के तहत बुधवार की सुबह जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपट्टी स्थित मंडल कारा मधुबनी में औचक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस छापेमारी में मंडल कारा मधुबनी से 2 मोबाइल हैंडसेट, 2 चार्जर, 16 पुड़िया खैनी, 1 नेल कटर, ताश के 2 पैकेट, तीर धनुष आदि बरामद किया गया। मधुबनी के बेनीपट्टी उमगांव सड़क के निर्माण के लिए टेंडर के बाद एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही है। 34 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय चौधरी ने कहा कि बेनीपट्टी उमगांव सड़क का टेंडर हो चुका है। मधुबनी के जिला मुख्यालय स्थित काली मंदिर में 32 वर्षीय युवक सुबह बुधवार को 7वीं कक्षा में पढ़ रही एक नाबालिग लड़की से शादी रचाने की रस्म पूरी कर रहा था। वरमाला की रस्म पूरी कर ली गई थी। इस बीच सूचना पाकर नगर थाना पुलिस काली मंदिर पहुंच गई। मधुबनी नेपाल के जनकपुर धाम में ऐतिहासिक आयोजित विवाह पंचमी महोत्सव ऐतिहासिक रहा। सबसे पहले CM आदित्यनाथ 10:30 बजे निजी विमान से जनकपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां CM का मेयर लाल किशोर साह समेत प्रदेश मंत्री व कई विधायक ने पुष्प गुच्छ देकर मिथिला की धरती पर अभिनंदन किया। अररिया के समाहरणालय परिसर में बुधवार को बिहार राज्य किसान सभा जिला कमेटी अररिया के बैनर तले सैकड़ों किसानों और कमेटी के सदस्यों ने जन समस्या का समाधान के लिए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद DM हिमांशु शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया गया। अररिया में बच्चों को शतरंज के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला शतरंज संघ अररिया द्वारा अंतर विद्यालय चेस प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस टूर्नामेंट के विभिन्न विद्यालयों से कुल 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अररिया में स्थानीय प्रशासन बुधवार की देर शाम को एक गोदाम में छापेमारी करके नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके पर कई ब्रांडेड कंपनियों की 350 से अधिक खाद की खाली बोरियां भी जब्त की गई। अररिया के नरपतगंज मुख्यालय स्थित राजगंज फोरलेन पर बुधवार को एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कूटी सवार छात्रा एवं उसके 10 वर्षीय चचेरे भाई समेत कार पर सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए नरपतगंज PHC पहुंचाया। गोपालगंज जिला मुख्यालय के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 की स्थिति में काफी सुधार किया जाएगा। इसके तहत हाईवे के दोनों किनारे पर बन रहे संपर्क पथ के बाद हरित पट्टी बनाई जाएगी। इस हरित पट्टी के बीचों बीच फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही हरित पट्टी में रंग बिरंगे फूल लगाए जाएंगे। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ के प्रथम चरण के चुनाव की मतगणना बुधवार को पूरी हो गई। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के 41 संघीभूत कॉलेजों व विश्वविद्यालय के 4 संकायों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की गई। दरभंगा के सभी कॉलेजों व संकाय के परिणाम घोषित कर दिए गए। दरभंगा मैनीपुर क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रड़ियाम के छात्रों ने विद्यालय प्रांगण से ट्रांसफार्मर नहीं हटाए जाने को लेकर बुधवार को बवाल काटा। विभाग के अभियंताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्युत विभाग की कार्यशैली से छात्रों में काफी आक्रोश दिखा। मुजफ्फरपुर साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को खाली करने का काम निगम कर्मचारियों ने बुधवार को पूरा कर लिया। अब भवन को ध्वस्त करने का काम शुरू किया जाएगा। सिवान के असांव थाना क्षेत्र के कशिला पंचायत के पचवेनिया पश्चिम टोला गांव में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें 8 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीण जब तक आग पर काबू पाते तब तक अनाज, कपड़ा, बिस्तर समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगी में एक बाइक, 2 साइकिल व 2 मवेशी भी झुलस गए। सिवान के महादेवा ओपी क्षेत्र के हकाम गांव में बुधवार की सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 36 बोतल शराब बरामद कर लिया, लेकिन पुलिस के आने की भनक पर धंधेबाज फरार हो गया। आम प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि खेत में शराब छुपा कर रखा गया है।
कटिहार जिले के फलका बाजार में डाबर कंपनी के नाम से निकली गुलाब जल तैयार करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिल्ली के मुख्य जांचकर्ता चंदेश्वर शाह एवं सहायक जांचकर्ता रंजीत कुमार शाह द्वारा पुलिस के साथ की गई छापेमारी में इसका उद्भेदन हुआ। इस दौरान काफी मात्रा में नकली गुलाब जल व निर्माण की सामग्री जब्त किया है। पुलिस नकली फैक्ट्री के संचालक अरवत दास को भी गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया के गौड़ा चक पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय बुधौड़ा में 5 दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक इंद्रदेव कुमार के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक मानसिक नैतिक आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। बेगूसराय में राज्य सरकार के आदेशानुसार सुबह के सभी मंडल कारा में एक साथ दिन के 10:20 से छापेमारी शुरू की गई। DMSP के नेतृत्व में बेगूसराय मंडल कारा में छापेमारी के दौरान सीम लगा हुआ एक मोबाइल फोन तथा उसका चार्जर बरामद किया गया। भारत 19 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना नया संचार उपग्रह G7A प्रक्षेपित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि आम्रपाली होटल टेक पार्क रायपुर में संपत्तियों का मूल्यांकन 10 दिनों के भीतर किया जाए और साथ ही घर के खरीदारों पैसा लौटाने के लिए जनवरी के अंत तक इन प्रॉपर्टी को बेचा जाए। कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों के लग्जरी कारों को जब्त करने और बेचने का भी आदेश दिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MUZ News।